हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आपका स्वागत है मेरे चैनल में और मैं आज आपको ये समझाने जा रहा हूँ। बहुत ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल भी सकता है आपको। बहुत ही फ़ायदा होने वाला है आपको इस क्वेश्चन से, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ कि एल्कोहल एक्ट एज ए वीक बेस एंड वीक एसिड, व्हाई। एल्कोहल, एक बार क्वेश्चन आप समझ लें, एल्कोहल एक्ट एज, एल्कोहल्स एक्ट एज वीक बेस एज वेल एज वीक एसिड। यानी एल्कोहल एक वीक बेस की तरह भी काम करते हैं और एल्कोहल एक वीक एसिड की तरह भी काम करते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? यानी हम केमिस्ट्री में कोई भी जवाब दें उसके पीछे अगर बढ़िया सा रीज़न ना मिल पाए तो मज़ा नहीं आता है। तो केमिस्ट्री में आज जवाब देंगे, रिएक्शन से बोलती है केमिस्ट्री, ये हमेशा कहता आया हूँ मैं, केमिस्ट्री रिएक्शन से बोलती है, केमिस्ट्री थ्योरी से नहीं बोलती। तो हम कैसे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, तो इसका आंसर अब हम लोग ढूंढने जा रहे हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। तो बहुत ध्यान से देखते रहिए, मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा कि वीक बेस। अब आप पहले तो ये समझें कि बेस वो होते हैं जो एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करते हैं और एसिड वो होते हैं जो एच पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देते हैं। तो हम दोनों बातें, इन दोनों अंडरलाइन कर रहा हूँ, दोनों बातों को एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट। तो अब इसका आंसर क्या हो सकता है, आंसर को ध्यान से देखिएगा, आंसर क्या पॉसिबिलिटी है। तो मैं पहली बात इसको प्रूव करने जा रहा हूँ कि एल्कोहल एक्ट एज ए वीक बेस। एल्कोहल एक वीक बेस होगा तो पहले आप ध्यान से समझिएगा, एल्कोहल्स एक्ट एज वीक बेस। एल्कोहल एक वीक बेस है, इस बात को, इसका मतलब ये हुआ कि एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं ये। तो आर ओ एच ले लिया हमने और जैसे ही आर ओ एच को एच पॉजिटिव आयन में एक्सेप्ट, यानी कि इसे स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में अगर हम डाल देते हैं तो ये एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेता है। और जब ये एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा तो बनाएगा आर ओ एच और नीचे एच यहाँ लग गया और ऊपर इस पर पॉजिटिव, यानी कि इट हैज़ ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एच पॉजिटिव आयन। इसके पास एक पावर है, क्यों पावर क्या है, क्योंकि भाई ऑक्सीजन के पास लोन पेयर आ रहे, भाई एच पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन कहाँ बट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बट रहे हैं ऑक्सीजन पे, तो वहीं पर आके जुड़ जाएगा। और जैसे ही वहीं पर आके जुड़ेगा इसका मतलब इसकी टेंडेंसी हो गई कि एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है। जो एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है वो एक वीक क्या कहलाता है, वीक बेस कहलाता है। बेस तो कहलाएगा, वीक है ये बात इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल, इसको जो यहाँ पर मैं सर्किल कर रहा हूँ इसको प्रोटोनेटेड एल्कोहल बोल सकते हैं आप। दूसरी बात है कि एल्कोहल्स एक्ट एज ए वीक एसिड, ये वीक एसिड की तरह काम करते हैं। तो दूसरा पार्ट है एल्कोहल्स एक्ट एज वीक एसिड। अब भैया ये एसिड की तरह जब बिहेव करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी कि ये एच रिलीज कर देते, तो जब एच रिलीज करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको अगर हम स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में डाल दें तो वो जाएंगे और यहाँ से हाइड्रोजन्स कहेंगे भैया तो हमारे साथ चलो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम, तो ये निकल जाएंगे यहाँ से, ये आर ओ नेगेटिव बना लेगा, एल्कोक्साइड आयन बना लेगा और साथ में रिलीज हो जाएगा वाटर। तो ये वाली रिएक्शन जो मैंने आपको बताई, ये रिएक्शन ये प्रूफ कर रही कि एल्कोहल एच पॉजिटिव दे रहा है, यहाँ से एच पॉजिटिव रिलीज हो रहा है, वही एच पॉजिटिव इस वॉच से कंबाइन करके वाटर बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्कोहल दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, एल्कोहल एक वीक बेस भी है और एल्कोहल एक वीक एसिड भी है। दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है और इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, एग्ज़ाम में हो सकता है ये क्वेश्चन आपको नंबर दिलाने में मदद करे। तो पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आपके साथ सभी लोगों का बेनिफिट हो सके, सभी केमिस्ट्री पढ़ सके, घर पे बैठ के पढ़ सके और वही केमिस्ट्री पढ़ सके जो वो पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।